हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के 10 क्लास के वीडियो लेक्चर में। हम एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 और पार्ट 6 में एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न कुछ हो चुके थे और कुछ शेष रह गए थे, वो आज कंप्लीट करना है उन्हें। ये क्वेश्चन उसमें छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, देखिए पहले इसका मतलब समझते हैं। इस वर्ड का मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब हीट, छेपी मतलब निकलना होता है। तो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप क्या क्या लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने किसी चीज को जलाया, कागज को जलाते हो तो कागज को जलाने पर ऊष्मा निकलती है, वो जलता रहता है। लकड़ी को जलाते हो, कोयले को जलाते हो, तो ये सारी जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं होती है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा छेपी इसी से याद रखेंगे हम। तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, किसी भी चीज को जलाने पर ऊष्मा जरूर अवश्य निकलेगी, उस अभिक्रिया को, उस प्रकार की अभिक्रिया को आप ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। या कोई गैस ले लीजिए, कोई लकड़ी कोयला का टुकड़ा ले लीजिए, गैस ले लिया, मेरे पास है गैस मीथेन। मीथेन एक अच्छी खासी गैस होती है जो जलने में सहायक होती है, जलती भी है, सिलेंडर वगैरह में यूज करते हैं, मीथेन गैस है। इसे जब जलाते हैं, जलाने के लिए बच्चों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाएगा इसे, तो किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के बहुत चीज जल नहीं सकती। तो जब कभी इसे जलाओगे बच्चों को, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा CO2 जिसका फॉर्मूला होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल का निर्माण करेगा H2O, हाइड्रोजन और जल का निर्माण करेगा। इसे जरा बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, कार्बन एक है, कार्बन इस साइड में भी एक, हाइड्रोजन चार है, तो यहाँ पर चार करने के लिए दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन इस साइड में दो, इस साइड में दो, दो चार होगा इस साइड में बच्चों, तो टोटल यहाँ पर भी चार करने के लिए दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर चार हो गए, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गए। साथ में बच्चों इस रिएक्शन में कुछ ऊर्जा भी निकलती है, तो आप यहाँ पर ऊर्जा लिख दीजिए या ऊष्मा लिख दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, यही गर्म कर रहा हूं, जल ही गर्म करने का साइन होता है, जलाने पर CO2 जल और ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी चूना आया होगा पुताई करने के लिए, चूना, चूने का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड बच्चों। तो चूने में उसमें जब पानी डाला जाता है तो बहुत पानी डाला जाता है H2O, तो वो बहुत तेजी के साथ बबल्स आते हैं उसमें और तरह तरह की आवाजें भी आती हैं, और उस बर्तन को छूने से आप हीट का अनुभव कर सकते हैं। तो आप घर पे भी कर सकते हैं, कभी थोड़ा सा चूना लीजिएगा, कभी आया उसे आप थोड़ा सा पानी में मिलाइएगा, और मिलाने के बाद उस बर्तन जिसमें आपने पानी में मिलाया था उस बर्तन को छूकर देखना, तो आपको गर्माहट महसूस होगी, हीट महसूस होगी। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से रिएक्शन करता है तो चूने का पानी बनाता है, CaOH का होल्टर, ये चूने का पानी का फॉर्मूला होता है, प्लस देखते हैं इतना ही बनता है बस। और कैल्शियम एक है, कैल्शियम यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन इस साइड में दो, ऑक्सीजन इस साइड में दो, प्लस आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, ऊष्मा, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अच्छा एक और एग्जाम्पल देख, आप दो एग्जाम्पल काफी हैं, एक और एग्जाम्पल देखना चाहें, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने एक कंटेनर फ्लास्क में अम्ल ले लिया H2SO4, ये अम्ल होता है बच्चों, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं H2SO4, और इसमें जिंक के टुकड़े डालने शुरू कर दिए। जिंक होता है, जिंक के थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर फ्लास्क में जैसे ही डालोगे, डालने के बाद वो रिएक्शन करेगा, जिंक क्या करेगा H2 को हटा देगा, खुद उसकी जगह पर जुड़ जाएगा, H2 हट जाएगा, जिंक H2SO4 की जगह पर जुड़ जाएगा। देखेंगे यहाँ पर लिखिए ZnSO4, देखिए यहाँ पे H2 आना चाहिए था लेकिन कौन आ गया, जिंक, तो जिंक ने क्या करा H2 को हटा दिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से यह अभिक्रिया जानी जाती है। और प्लस H2 अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, H2 लिख लेते हैं। प्लस एक और चीज, आप जब इस फ्लास्क को छूकर देखेंगे तो आपको वो गर्माहट महसूस होगी, तो इसका मतलब ऊष्मा निकली है इसमें, तो आप यहाँ पे एनर्जी लिख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में ऊष्मा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊष्मा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने पर ZnSO4 बनता है, हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाती है, और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको जो रिएक्शन आसान लगे वो रिएक्शन याद कर सकते हैं, एक अभिक्रिया के साथ एक रिएक्शन लिखना जरूरी होता है। ऊष्मा शोषी, इसका मतलब समझिए बच्चों, ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब हीट, समझ गए,
शोषी, शोषी का मतलब अवशोषित करना होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप बड़ी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? ऐसा देखिए, जिस किसी की रिएक्शन को करने के लिए आपको उसे गर्म करना पड़ता है तो गर्म करना पड़ता है तो वे अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि उसमें आप गर्म कर रहे हो तो गर्म करने पर ऊष्मा दे रहे हो, और जब ऊष्मा देते हो तो वो चीज जो चीज गर्म हो रही है वो धीरे धीरे ऊष्मा को क्या करता रहता है, सोखता रहता है, सोख सोख के अब वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे ऊष्मा निकल रही थी लेकिन आप यहाँ पे ऊष्मा देनी पड़े, इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा निकल ली, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा ये दे रहे हो आप, तो इसका मतलब जो पदार्थ ऊष्मा को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इस कारण आप इसे ऊष्मा शोषी कहोगे। इसका एग्जाम्पल बहुत आसान एग्जाम्पल लिख लेता हूं, जो इससे पहले वाली रिएक्शन में भी लिखवा चुका था कई बार। जैसे मेरे पास है फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट को जब कभी आप गर्म करते हो बच्चों, तो गर्म करने पर ये फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में परिवर्तित हो जाता है। इसे भी बैलेंस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मैं बैलेंस कर देता हूँ, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा, 4 Fe ये होगा, 4 Fe ये होगा, 4 S हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दुने 6 ऑक्सीजन, 2 दुने 4 ऑक्सीजन, 3 दो 6 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन 6 6 4 10 और फिर 6 6 16 ऑक्सीजन होगा। सल्फर चेक कर लेते हैं, 4 सल्फर, 2 सल्फर ये है, 2 सल्फर ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गए। तो बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, शोषण को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। पहले हम शोषण को समझ लेते हैं बच्चों। शोषण का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सांस लेना, श्वसन में क्या होता है बच्चों, हम जब कभी सांस लेते हैं तो इससे जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुल जाती है, और हम जब खाना खाते हैं तो भोजन जब हमारा डाइजेस्ट होता है, मतलब पचता है आमाशय में जाकर, पचने के बाद जो भोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ग्लूकोज भी हमारे खून में घुल जाता है, तो ये घुला हुआ ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हमने सांस से लिया था, तो ये दोनों ही हमारे रक्त के माध्यम से, रक्त के जरिए कोशिका तक पहुंचता है, क्योंकि हमारे शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक ये खून पहुंचता है, और खून ही हमारा रक्त ही ये ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाता है। जब ले जाता है इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ले जाकर वो छोड़ देता है वो कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर ये दोनों रिएक्शन करते हैं। कौन कौन रिएक्शन करते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 प्लस, और क्या गया था रक्त से, रक्त में ऑक्सीजन, तो रक्त के माध्यम से जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे कोशिका में पहुंचते हैं, और कोशिका में पहुंचने के बाद आपस में अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ये दो चीजें बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, इससे पहले भी मैंने अभी बताया था, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल का निर्माण करता है, और साथ में ऊष्मा मुक्त करता है। ऊष्मा मतलब एनर्जी मुक्त करता है, जिसे हम दैनिक जीवन में काम करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हमें खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी यही अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होती है। तो बच्चों, तो श्वसन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं होता, श्वसन का मतलब ये जो प्रक्रिया मैंने आपको समझाई, इस पूरे प्रक्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एनर्जी उत्पन्न कर रहा है, एनर्जी मतलब ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, तो इसी कारण इससे ऊष्मा निकल रही है, इस कारण श्वसन की अभिक्रिया को हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर सकते हैं। मैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वे भोजन आमाशय से पहुंचकर पचता है आमाशय में, सॉरी, वे भोजन आमाशय में पहुंचकर पचता है जिससे ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज तथा वायु से प्राप्त की गई ऑक्सीजन रक्त में घुलकर कोशिका तक पहुंचती है, जहां ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का आपस में क्रिया करने से CO2 और जल मुक्त होती है, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। ऊर्जा के मुक्त होने के कारण श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? फिर सुन लीजिए, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अणु टूट जाता है। वियोजन का मतलब टूटना होता है, और संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब इसमें अणु आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया हमें कि वियोजन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब जुड़ना, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इसे अपने शब्दों में लिख देंगे, संयोजन का अर्थ लिख देंगे, दूसरी जगह पर हम वियोजन का अर्थ लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे संयोजन का अर्थ लिख दिया। संयोजन अभिक्रिया वे होती है जिसमें दो अभिकारक अणु, या कह सकते हैं दो पदार्थों आपस में संयोग होकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलो बच्चों वो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक भी लिख सकते हैं। तो संयोजन का अर्थ है कि दो या दो से अधिक पदार्थ का आपस में संयोग होकर एक पदार्थ का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दो पदार्थ हैं, ये दोनों आपस में संयोग करके जल का निर्माण कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को जब कभी भी जलाया जाता है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो जल का निर्माण होता है। ये जल जो बनता है बच्चों, ये भाप के रूप में तैयार होता है। तो यहाँ पे आपने देखा, दो आपस में जुड़कर, दो यौगिक आपस में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण होना संयोग हो गए, तो इस कारण इसे संयोग अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके विपरीत आ जाइए, इसके उल्टे में आ जाइए, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना। तो देखिए, ये एक यौगिक का टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिवर्तित हो जाना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे मैंने जब वही वाले ऊपर वाले एग्जांपल को ठीक विपरीत लिख दिया है। जल में जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करते हैं तो जल टूट जाता है, दो हिस्सों में टूट गया। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, ये भी गैस बनकर उड़ जाती है और ये भी गैस बनकर उड़ जाती है। आप इन दोनों को चाहे इकट्ठा कर सकते, एकत्रित कर सकते हैं पृथक नलियों में। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा है इस रिएक्शन का ठीक ये विपरीत है। तो इस कारण ही हम कह सकते हैं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। अपने शब्दों में लिखना है, कोई टेंशन नहीं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, उन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो बच्चों, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है, प्रकाश दी जाती है और विद्युत दी जाती है। ठीक है बच्चों, ये तीनों ही चीजें हैं, ये हमारे ऊर्जा के ही रूप होते हैं। ऊष्मा भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है और विद्युत भी ऊर्जा है। इसका मतलब ऐसी तीन अभिक्रियाएं बताइए जिनमें इन तीनों का इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखिए, ऊष्मा अभी एग्जाम्पल लिया था फेरस सल्फेट का, FeSO4। जब कभी आप इसे गर्म करते हो, गर्म का साइन बना दिया, ऊष्मा दे रहे हैं हम इसे, हीट दे रहे हैं। यहाँ पे ऊष्मा लिख सकते हो आप, ऊष्मा दे रहे हैं। तो ऊष्मा देने पर ये टूट जाता है बच्चों, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस में उठ जाता, कन्वर्ट हो जाता, परिवर्तित हो जाता, टूट जाता है। चार से यहाँ मल्टीप्लाई कर, दो से यहाँ, दो से यहाँ और दो से यहाँ, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई जहां पर ऊष्मा इस्तेमाल हुआ। अगला है प्रकाश। देखो बच्चों, जब हमें AgCl को एक बर्तन में रखकर सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ देते हैं, मतलब धूप में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब धूप में खुला छोड़ देते हैं तो ये AgCl टूट जाता है बच्चों। Ag में अलग टूट जाता है और क्लोरीन में अलग टूट जाता है। तो बच्चों, में तो मेटल है, मेटल को अकेले ही लिखते हैं, लेकिन ये नॉन मेटल है, मतलब अधातु है। अधातु गैस फॉर्म में पाई जाती है ये वाली, और गैस फॉर्म में तो डाइमर फॉर्म में, मतलब दो अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब दो रूपों में, दो आपस में जुड़ जाते हैं, डायमंड फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड का मतलब दो, ठीक होता है बच्चों। तो ये क्लोरीन रूप में पाया जाता है, जैसे O2 होता है, N2 होता है, उसी तरह Cl2 पाया जाता है। इसे बैलेंस कर लेते हैं, दो Cl है, दो Cl मल्टीप्लाई कर दिया, दो Ag है, दो Cl मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्रकाश वाली अभिक्रिया होगी। अगली है विद्युत अभिक्रिया, जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है। अभी मैंने ऊपर ये रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ लिख दिया मैंने H2O, यहाँ लिख दिया मैंने H2O। इसमें जब आप वैद्युत डाल प्रवाहित करते हो, वैद्युत अपघटन करते हो, वैद्युत डाल प्रवाहित की जाती है, तो ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में, 2 से ये मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर ली बच्चों। तो ये तीन अभिक्रियाएं हो गई जिनमें हमने क्या दी, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में और वैद्युत के रूप में बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? विस्थापन और द्विविस्थापन, चलो बच्चों पहले हम विस्थापन समझ लेते हैं। विस्थापन क्या होता है? देखो बच्चों, हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट ले लिया। चलो यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट ले लिया, इसका रंग नीला होता है। इसमें जब हम लोहे की कील डाल देते हैं, Fe, लोहे का मतलब Fe होता है, लोहे की कील डाल देते हैं,
तो बच्चों यहाँ पर ये जो एफई है ना अधिक क्रियाशील होता है, ताकतवर होता है, मजबूत होता है ना, अधिक शक्तिशाली है। एक शक्तिशाली होने के कारण ये कॉपर जो अपने दुर्बल होता है, दुर्बल होने के कारण ये जो शक्तिशाली वाला है ना एफई, वो कॉपर को हटा देता है, खुद उसकी जगह पे लग जाता है। तो एफई किसकी जगह पे लग जाएगा, सीयू की जगह पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आप एफई एसओ फोर प्लस सीयू। तो आपने क्या देखा, ये अधिक क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील ने कम क्रियाशील को अब इसकी जगह में से हटा दिया, तो विस्थापन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, ये यौगिक है, यौगिक से हटा देता है, खुद उसकी जगह पर जुड़ जाता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे जरा मैं लिख लेता हूं, मैंने यहां लिख दिया बच्चों, वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब द्विविस्थापन की परिभाषा लिख देंगे हम यहाँ पर। द्विविस्थापन क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है NaCl और है AgNO3, इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो बच्चों देखो बच्चों, Ag पर प्लस चार्ज होता है, NO3 पर माइनस वन चार्ज होता है, Na पर प्लस वन चार्ज होता है, इस पर माइनस का चार्ज होता है। तो प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, AgCl से जुड़ जाएगा, AgCl और NaNO3 से जुड़ जाएगा, NaNO3 से जुड़ गया। तो आपने देखा आयन बदल गए, तो आयनों की जब अदला बदली होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं, उभय अपघटन भी कहते हैं इसे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिनमें आयनों की अदला बदली होती है, वे अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यही इन दोनों में अंतर हो गया। यहां लिख दिया बच्चों मैंने, वे अभिक्रिया जिनमें आयनों की अदला बदली होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये एग्जाम्पल हो गया, आप इसे मिटा सकते हैं पेंसिल से। अगर आपको कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे पेंसिल से लिख सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा, आप इसे मिटा दे पेंसिल से लिखें, या माइंड में ही कर लें कि Ag पे प्लस वन होता है, इसमें माइनस वन होता, माइंड में ही सोच लीजिएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया गया था। बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। देखिए सिल्वर का शोधन, इसका मतलब सिल्वर को अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब सिल्वर प्राप्त हो रही है अभिक्रिया के बाद। सिल्वर का शोधन का मतलब अभिक्रिया जब हो रही है तो आखिर का जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें क्या बन रहा है बच्चों, सिल्वर बन रहा है, सिल्वर जिसका फॉर्मूला होता है Ag। ठीक है, आगे देखते हैं। शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, जो ऊपर मैंने बताया आपको सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर धातु का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु का इस्तेमाल करना है। तो अब जो भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को सिर्फ लिखना था, इसमें समझाना को नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, सिर्फ अभिक्रिया लिखनी है। तो बच्चों देखते हैं कॉपर ना, अब यहां पर हम देखेंगे Ag और कॉपर को देखेंगे। इन दोनों में जब कंपैरिजन किया जाता है Ag और कॉपर में, तो ये पाया गया कि कॉपर अधिक क्रियाशील है। कॉपर के अधिक क्रियाशील होने के कारण Ag की तुलना में क्रियाशील है, कॉपर के अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर क्या करेगा, कमजोर वाले Ag को हटा देगा, खुद Ag हटा देगा और इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, मतलब NO3 के साथ आपको क्या लिखा जाएगा, कॉपर को लिखा जाएगा। यहां लिखेंगे आप CuNO3 प्लस Ag अलग हो गया, Ag को यहां लिख देते हैं। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चनों में, तो एक दो क्वेश्चन में आपको बताया था कि Fe और कॉपर के बारे में बताया था, वहां पर मैंने इसे कम क्रियाशील बताया था, लेकिन यहां पर मैं इसे अधिक क्रियाशील बता रहा हूं, है ना। तब कंपैरिजन इन दोनों में किया जाता है, इन दोनों में जब कंपैरिजन कर रहे थे उन क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चंस में, तो हमें पता चला कि ये अधिक क्रियाशील है। अब जब हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें पता चला कि कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर क्या करता है, Ag को हटा देता है, और Ag हट जाएगा, खुद इसकी जगह पर कॉपर लग जाएगा, इसका मतलब NO3 के साथ
कॉपर लग गया, तो एजी जो आपको क्या हो गया बच्चों, एजी प्राप्त हो गया, तो एजी का शोधन हो गया, एजी प्राप्त हो गया। तो अभिक्रिया आपने लिख दी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसे सही कर लेते हैं बच्चों, एजी पर प्लस वन चार्ज होता है, इस पर वन माइनस का चार्ज होता है, प्लस और इस पे वन माइनस, ये प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ठीक है, यहाँ से कोई चार्ज ही नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इस पर प्लस टू होता है और इस पर माइनस का वन होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो बच्चों इस टू को ना हम क्या करेंगे, तिरछा करके लिख देते हैं, यहाँ पर ये लिख दिया हमने, तिरछा करके लिख दिया। एजी पे कोई चार्ज नहीं क्योंकि अकेला है, मैंने आपको बताया था कि एजी पर अकेला होने के कारण कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही ये कॉपर अकेला होने के कारण इस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। ये आपने समीकरण लिख दी है, लेकिन ये संतुलित समीकरण नहीं है, इसे जरा थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। एजी इधर वन है, एजी इधर वन बैलेंस्ड है, कॉपर वन है, कॉपर वन बैलेंस्ड है, एनओ थ्री एक है बच्चों, एनओ थ्री एक मानना है एनओ थ्री को, ठीक है बच्चों, एनओ थ्री एन एक है, ऑक्सीजन तीन है, लेकिन मैं एनओ थ्री की बात करूंगा तो नाइट्रेट से कहते हैं, तो नाइट्रेट वो है आपका एक नाइट्रेट है, यहाँ पर आपके दो नाइट्रेट है, दो नाइट्रेट यहाँ करने के लिए दो आप यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अब देखेंगे एजी कितने होगा बच्चों, दो एजी होगा, तो यहाँ पर भी हम दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवक्षय पर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर मिल जाएगा। तो अवक्षय पर अभिक्रिया से अभी क्या समझते हैं, तो बच्चों कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ अभिक्रिया में देखते हैं कि कुछ अभिक्रिया में देखते हैं अवक्षय प्राप्त होता है, अवक्षय का मतलब कुछ ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे कि मेरे पास परखनली में ये दो परखनलियां हैं, समझ लीजिए इन दो परखनली में एक में एक लिक्विड है, दूसरे में दूसरा लिक्विड है। जब इस वाले लिक्विड को जब इस वाले लिक्विड के अंदर डाल देते हैं हल्के हल्के, रिएक्शन होती है, रिएक्शन हो जाने के बाद इस वाले परखनली के नीचे कुछ पदार्थ, ठोस पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं हम, अवक्षेप कहते हैं। ये अघुलनशील होता है, अघुलनशील होने के कारण ये जो इसके अंदर जो विलयन था उसमें घुल नहीं पाया, जिसके कारण वो नीचे बैठ गया। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूं, अभी बहुत बार याद हो चुका होगा आपको, मैंने कई बार इस वाली रिएक्शन का इस्तेमाल किया है, AgNO3 + NaCl, अभी अभी किया था कुछ देर पहले, NaCl आपस में रिएक्शन करके AgCl और प्लस NaNO3। और बच्चों यहाँ पे याद करना है AgCl जो होता है अवक्षेप होता है, नीचे बैठ जाता है, इस कारण से नीचे लिखकर एरो निशान से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बता रहा है कि वो अभी AgCl वो नीचे बैठ जाएगा, ये अवक्षेप प्राप्त होता है, तो अवक्षेप ये होगा। तो मैंने क्या बताया आपको सुन लीजिए बच्चों, ये सपोज कर लिए इसमें NaCl है, NaCl इसमें रखा हुआ है, इसमें AgNO3 रखा हुआ है, तो आपने इन दोनों को आपस में मिला दिया, ऐसे मिला दिया, और कुछ देर के बाद हिलाते रहोगे, हिलाते रहोगे, अब देखोगे कुछ यहाँ पर जो विलयन है इसके अंदर, विलयन के नीचे परत में, नीचे की तली जो होती है, उस तली में AgCl का कुछ पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा, वो ठोसीय पदार्थ होता है, अघुलनशील होने के कारण ये जो विलयन है उसमें घुलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं वे अभिक्रिया जिसमें अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है, तो AgCl जो अघुलनशील है और ठोस है, तो अघुलनशील ठोस का निर्माण होता है, इस ये अवक्षेप विलयन से अलग होकर तली में बैठ जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल लिखना काफी है, मैं चाहूँ तो एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ, चल लिख देता हूँ मैं आपके लिए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, ये बनाता है BaSO4 प्लस NaCl, इसे बैलेंस कर लेता हूँ, ये एक रिएक्शन है। यहाँ पर बच्चों ये जो BaSO4 है ये अवक्षेप बनाता है, इस वजह से BaSO4 के नीचे मैंने एरो का निशान बना दिया। ये थोड़ा याद करना पड़ता है कि अभी अवक्षेप कौन होता है, दोनों में से कोई परेशानी हो जाती है तो थोड़ा याद करेंगे, दो तीन रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है, उन्हें याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो मैंने एक रिएक्शन याद करने के लिए कहा है। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के योग तथा हास के अनुसार, हास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उपचयन की व्याख्या करनी है, अपचयन की व्याख्या करनी है। तो बच्चों उपचयन, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग होना, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो वे अभिक्रिया क्या कहलाती है, उपचयन कहलाती है। एक सा एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल देना है आपको, तो दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, उपचयन की, उपचयन ये हेडिंग हो गया आपका, मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन का योग होना, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ते हैं, वे उस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है बच्चों, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये बना लिया MgO, Mg पे होता है 2+ का 2, माइनस का प्लस 2, माइनस 2 कैंसिल हो गया, हटा देंगे, इसे बैलेंस कर लेते हैं, एक Mg दूसरा Mg, यहाँ पे 2 एम है, सॉरी यहाँ पे दो ओ है, यहाँ पे दो ओ करने के लिए दो से ये मल्टीप्लाई कर दिया, एम जी तो दो हो गए, दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का लिख लेते हैं, कार्बन प्लस
ऑक्सीजन, देखो बच्चों कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो बन गया CO2, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड हो गई। तो ऑप्शन की क्या परिभाषा बताई, व्यय अभिक्रिया, ऑप्शन व्यय अभिक्रिया होती है या ऐसे लिख सकते हैं व्यय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन योग होता है। मैंने परिभाषा लिख दी है बच्चों, व्यय अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन पे आते हैं बच्चों, अपचयन व्यय अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हाश होता है और ऑक्सीजन निकल जाती है, यदि कोई पदार्थ ऑक्सीजन निकाल देता है अपने में से तो उस पदार्थ का अपचयन हो जाता है। जैसे बच्चों कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से जब करवाते हो तो यह अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर H2O का निर्माण करता है प्लस कॉपर हो गया। तो यहां देखेंगे आप कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया तो यहां पर कॉपर का क्या हो गया बच्चों, अपचयन हो गया। ठीक, तो एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पर, जैसे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैं कार्बन से भी करवा दूं, दो दो एग्जांपल अलग तरह के देने ना, वैसे अब मैंने कार्बन से रिएक्शन करवा दिया, तो कार्बन से रिएक्शन करवाने पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है और जिंक अलग कर देता है। तो यहां पर अभिक्रिया में CU का अपचयन हुआ है और यहां पर ZNO का अपचयन हुआ है। तो वे अभिक्रिया या यदि अभिक्रिया में किसी पदार्थ ने ऑक्सीजन हाश करा, ऑक्सीजन निकाला है, ठीक, तो वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यहां लिख दिया बच्चों, यदि अभिक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन का हाश करता है तो उस पदार्थ का अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको पेज नंबर 18 पर मिल जाएगा NCERT में। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वे काले रंग का हो जाता है, तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है आपको। बड़े दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस अपने आसपास से एक ऐसे तत्व को ढूंढना है, एक ऐसा तत्व को ढूंढना है जिसका रंग भूरे रंग का होता है। तो भूरे रंग का ऐसा तत्व मेरे ख्याल से तांबा होता है बच्चों, तांबे को जब गर्म करते हैं तो वो काले रंग का पड़ जाता है। तो तांबा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों कॉपर CU, इसे गर्म करने में इसकी वायु की उपस्थिति, लिखा हो ना तत्व एक्स को, इसका मतलब ये एक्स है बच्चों, एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने, वायु में क्या होता है बच्चों ऑक्सीजन होती है, हम चीज वायु में जब कभी गर्म करते हैं इसका मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर काले रंग का पदार्थ बनता है। तो हमें पता है इन दोनों को देखते हैं क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो CU और रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, दो ऑक्सीजन है, दो से ये मल्टीप्लाई कर दिया, कॉपर दो हो गए, तो एक्स ये हो गया बच्चों और ये काले रंग का पदार्थ हो गया, काले रंग का पदार्थ। तो काले रंग का पदार्थ कौन है बच्चों, क्या नाम है काले रंग का पदार्थ का नाम, कॉपर ऑक्साइड। और एक्स क्या है हमारा, एक्स का नाम कॉपर है। ठीक, थैंक यू।